Well, hello there. आप सभी का स्वागत है स्केरी पिल्स चैनल में और मैं हूँ आज की वीडियो का होस्ट शौरिश शर्मा। मेरा एक चैनल है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स एंड मैं अपने चैनल हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स में बहुत ज्यादा कूल एंड डार्क कंटेंट बनाता हूँ, तो अगर आप सभी को डार्क कंटेंट में इंटरेस्ट है तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। चैनल आप सभी को आई बटन में मिल जाएगा। सो आज मैं कोलैब करने जा रहा हूँ स्केरी पिल्स के साथ उनके चैनल में, और आज का टॉपिक एक इंटरनेट स्टोरी है जो कि मैं लाया हूँ डार्क वेब और डीप वेब के फोरम से, एंड उस टॉपिक में रेड रूम से रिलेटेड चीजें हो रखी है। तो अपनी हॉरर डोज को सेटिस्फाई करने के लिए स्केरी पिल्स को सब्सक्राइब करें अभी के अभी, एंड आइए हम स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं। तो जो मैं आज आप सभी को केस सुनाने जा रहा हूँ वो फ्लोरिडा का है। फ्लोरिडा में तीन भाई रहते थे और वो अपने सिंगल डैड के साथ रहते थे, बिकॉज जो उनकी मॉम थी उनसे उनका इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं था, बिकॉज उनकी मॉम ने उनके डैड को बचपन में ही तलाक दे दिया था, जिसके कारण वो अपने डैड से ज्यादा क्लोज थे एंड मॉम से ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता था, बिकॉज उनकी मॉम की एक और मैरिज हो गई थी। अब ये तो चीज बहुत ज्यादा कॉमन है अमेरिका में। जो उनके सिंगल डैड थे उन्होंने उन्हें बहुत प्यार से पाला, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी, बट होती ना एक कमी माँ की, उसके कारण उनके बच्चों कहीं ना कहीं माइंड में इफेक्ट पड़ गया था एंड वो ज्यादा डार्क चीजें देखते थे। मतलब होता है कि फैमिली पूरी नहीं होती तो बच्चों को कहीं ना कहीं असर पड़ता है दूसरे बच्चों को देख के कि वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें मॉम का भी प्यार मिल रहा है। तो ऐसी चीजों की वजह से उनके जो बच्चे थे उनका कहीं ना कहीं ध्यान भटक गया था, जिसके कारण वो ज्यादा डार्क चीजें देखते थे। उनका जो दिमाग था, मेंटेलिटी थी, वो डार्क साइड पे ज्यादा थी। तो उनको एक चीज बहुत पसंद थी, इंटरनेट में जाकर ऐसी वियर्ड चीजें देखना जैसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। वो सारे भाई एक साथ वीकेंड में टाइम निकालते थे एंड उसके बाद वो साथ में बैठ के देखते थे ऐसी हॉरर एंड वियर्ड चीजें जो दिमाग को उन्हें वियर्डली सेटिस्फैक्शन देती थी। आई नो ये बहुत ज्यादा क्रीपी चीज है कि इंटरनेट पे जाके आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जिसके कारण आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मन में एक अलग सा, बट कुछ डार्क लोग होते हैं जिनको ऐसी चीजों से वियर्डली सेटिस्फैक्शन मिलता है। आई नो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बट उनको एक मॉम की कमी थी जिसके कारण उनकी जो मेंटेलिटी थी एंड जो उनकी राह थी वो बिगड़ गई थी, तो वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहते थे। अब उनकी दिलचस्पी भी इंटरनेट पे थी, तो बहुत सारे रीजंस थे आई गेस, बट मेन रीज़न यही था कि उनको कुछ ना कुछ कमी रह गई थी प्यार में। तो अब वो अकेलापन उनके दिल में जो रहता था वो उसमें डार्कनेस भरने लग गए थे एंड ऐसी चीज़ें देखने लग गए थे। तो हाल ही में तीनों भाइयों का वर्क प्रेशर बढ़ गया था एंड तीनों भाई लाइक बहुत ज़्यादा काम करते थे, जिसके कारण उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा डीप असर पड़ता था इस चीज का कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है एंड वो अपने पापा के साथ टाइम नहीं बिता पाते थे ज्यादा। एंड उनके पापा कुछ अलग ही हो गए थे, मतलब जब से उनका डिवोर्स हुआ था, चाहे वो जितना भी कर पाए अपनी फैमिली के लिए, अपने बेटों के लिए, तभी भी उनके दिमाग में दुख रहता था कि उनकी मॉम उन्हें छोड़ के चली गई, जिसके कारण वो कुछ अजीबोगरीब चीजें करते थे बेसमेंट में जाके, बट उनके बच्चों को कभी इस बारे में नहीं पता चला। तो उनके बच्चों को लगता था कि वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, बिजी होंगे, क्योंकि वो हमेशा बेसमेंट लॉक रखते थे। तो एक सैटरडे नाइट की बात है कि तीनों बच्चे ऑनलाइन इंटरनेट पे बैठे हुए थे एंड ऐसी बात कर रहे थे, मतलब उनका मूड थोड़ा सा बेटर हो रखा था क्योंकि छुट्टी का दिन था और वो रात को ऐसे हॉरर और क्रीपी स्टफ देखते ही रहते थे। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो इंटरनेट में डार्क साइड पर जाए इस बार। तो तीनों बैठे हुए थे एक साथ एंड उन्होंने डिसाइड करा कि वो टॉर ब्राउजर डाउनलोड करे, बिकॉज उन्हें इंटरनेट की नॉलेज बहुत ज्यादा थी लेकिन उन्होंने आज तक डीप वेब को या डार्क वेब को एक्सेस नहीं करा था। तो मैं आप सभी को डार्क वेब की एक शॉर्ट डेफिनेशन दे देता हूँ। डार्क वेब बेसिकली इंटरनेट का सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है, जिसके अंदर सारे गलत काम होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट या वीजास की चोरी होती है, कार्डिंग होती है, जितने भी गलत काम। एंड तीन हिस्से होते हैं इंटरनेट के, जिसमें सबसे पहले आता है सरफेस वेब, फिर आता है डीप वेब, फिर आता है डार्क वेब। तो डार्क वेब सबसे गहरा हिस्सा होता है इंटरनेट का, इससे भी गहरे हिस्से होते हैं, बट मैं आप सभी को बस एक शॉर्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ कि डार्क वेब क्या होता है। एंड डीप वेब के अंदर सबसे ज्यादा लाइक वियर्ड चीजें होती है, जिससे आपकी जो मेंटेलिटी है दिमाग की वो बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाए, मतलब आप सभी कंफ्यूज एंड एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाए। वहाँ की जो एडवर्टीजमेंट्स होती है वो बहुत ज्यादा आपको डीप घुसा देती है उस इंटरनेट के हिस्से में, जिससे आपका माइंड कंट्रोल होने लग जाता है समवर्ड, बिकॉज वो बहुत ज्यादा डीप होता है एंड आप सभी उसके अंदर सर्फ करते रहोगे। प्लस उसका जो सबसे खतरनाक हिस्सा होता है वो होता है रेड रूम। रेड रूम के अंदर बहुत ज्यादा वियर्ड चीजें होती है, टॉर्चर होता है, लाइव टॉर्चर, एंड स्ट्रीम करा जाता है वो ऑनलाइन इंटरनेट में बिटकॉइंस के थ्रू, और कुछ साइकोपैथ इसके लिए पे करते हैं लोगों का लाइव टॉर्चर देखने के लिए। तो बैक टू द स्टोरी, यहाँ पर उन्होंने डिसाइड करा कि वो रेड रूम्स देखेंगे क्योंकि उनका दिमाग वियर्डली सेटिस्फाई होता था डार्क चीजों को देखकर। तो रात का टाइम था और उन्होंने डिसाइड करा कि वो डीप वेब पे जाएंगे। तो बहुत स्क्रॉलिंग करी उन्होंने, बहुत इन्फॉर्मेशन ढूंढी, तब जाके उन्हें कुछ चैट रूम्स मिले जिसके अंदर डीप वेब के लिंक्स बांट रखे थे। तो बेसिकली उस चैट के अंदर एक रेड रूम का लिंक दे रखा था जिसके अंदर लिख रखा था कि लाइव गर्ल टॉर्चर। तो वो सोच रहे थे कि ये कुछ मजाक होगा, मतलब ऐसे तो उन्होंने आज तक एक्सपीरियंस करा नहीं, तो उन्होंने सोचा कि कोई हॉरर फिल्म होती है वैसी कुछ नकली सा दिखा रखा होगा, और उन्होंने उस लिंक को क्लिक कर दिया। जैसे उस लिंक को उन्होंने क्लिक करा, तभी सामने एक चेयर में लड़की बंधी हुई थी
एंड वो एक लाल कमरे में दीवार के सामने बंधी हुई थी, कैमरे में टेप हो रखी थी एंड तीनों लड़कों की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। फिर एक आदमी उनके सामने आया एंड राइट में चैट चल रही थी, मतलब लाइव स्ट्रीम हो रही थी वो चैट एंड उसके अंदर बिटकॉइंस की डोनेशन हो रही थी बट लाइक बहुत स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे बिटकॉइंस दिए जाते जिसके थ्रू वो टॉर्चर करते हैं एंड बताते कि किस तरह का टॉर्चर चाहिए। तो सामने बहुत सारे टूल्स रखे थे एंड तीनों भाई की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही थी बट उन्हें डर नहीं लग रहा था बिकॉज वो शुरुआत से ऐसी चीजें देखते थे बट ये कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो गई थी। तो जो लड़की थी वो सामने बैठी हुई थी एंड उसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था जिससे वो चीख ना पाए बट कुछ जो चीखने की आवाज आ रही थी ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी एंड लड़कों को मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी वो आवाज, क्योंकि वो लग रहा था कि बहुत ज्यादा दर्द से चिल्ला रही है। तो जो आदमी था उसने एक मास्क पहन रखा था एंड वो बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था, मतलब कि उसने अपना पूरा मुंह कवर कर रखा था एंड उसके हाथ में एक पेचकस था एंड धीरे से वो पेचकस उसने उस लड़की के अंदर डाला एंड उसके बाद आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उस लड़की का बहुत ज्यादा ब्लड निकला एंड उन तीनों ने लैपटॉप को बंद कर दिया एंड टॉर ब्राउजर को डिलीट मार दिया एंड उसके बाद डिसाइड करा कि वो इस जगह पे कभी नहीं जाएंगे। और यहाँ पर स्टोरी एंड नहीं होती बिकॉज जो उनके पापा थे वो आज लेट हो गए थे रात के टाइम पे एंड ज्यादा टाइम बेसमेंट में बिता रहे थे एंड उन्हें थोड़ा सा ज्यादा क्रीपी लगने लग गया बिकॉज आज के टाइम पे कुछ लाइव स्ट्रीम में उन्होंने देखा एंड उसी टाइम पे उसके पापा जो थे वो बेसमेंट में बैठे हुए थे एंड बहुत ज्यादा लाइक उन्हें डर लगने लग गया, उनके अंदर से रोंगटे खड़े होने लग गए बिकॉज ऐसी चीज उन्हें थोड़ी सी रिलेटेबल लग रही थी, इवन उन्हें लगता था कि उनके पापा को कुछ नहीं आता। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो बेसमेंट में जाएंगे जब उनके पापा वापस आएंगे, क्योंकि वो उनके सामने बेसमेंट में नहीं जाना चाहते थे एंड उन्हें आज तक नहीं पता था कि बेसमेंट में क्या चल रहा है। तो बेसिकली उनके पापा 3:30 बजे रात के वापस आए कमरे के अंदर एंड उसके बाद उन तीनों ने डिसाइड करा कि वो आधी रात को नीचे जाएंगे। बेसमेंट में ताला लगा हुआ था बट उन्होंने डिसाइड करा कि वो ताले को तोड़ देंगे और जैसे ही उन्होंने ताला तोड़ा तो उन तीनों भाइयों ने देखा कि वहां पर एक और रूम है, एक सीक्रेट रूम जिसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन लग रखी है। तो उन्होंने डिसाइड करा कि उस दरवाजे को खोलेंगे एंड जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। एक भाई को तो बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आने लग गए एंड पसीने छूट गए क्योंकि पूरे रूम के अंदर ब्लड फैला हुआ था एंड बहुत गंदी बदबू आ रही थी एंड सामने जब उन्होंने देखा तो वही लड़की मरी हुई मिली थी उन्हें एंड इस चीज को देखकर उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रखी थी एंड उन्होंने उसी वक्त डिसाइड करा कि वो FBI को बुला के अपने पापा को अरेस्ट करवाए बिकॉज उनके पापा एक रेड रूम के साइकोपैथ किलर थे। जब ये बात उनकी मॉम को पता चली तो उन्होंने अपने बच्चों को तभी उठा लिया उस जगह से, इवन तो वो इतने ज्यादा क्लोज नहीं थे पर उनकी मॉम को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि वो एक साइकोपैथ रेड रूम किलर है जिसकी वजह से उन्हें अपने बच्चों की भी याद और थोड़ी सी चिंता हो रही थी एंड उनकी मॉम ने अपने बेटों को अपने साथ रख लिया बिकॉज वो बहुत ज्यादा शॉक में आ गई थी एंड थोड़ी सी चिंता होती है बिकॉज वो उनकी माँ है। पर जो उनके तीनों बेटे थे उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उनके पापा बेसमेंट में क्या करते होंगे और अब उन्हें धीरे धीरे रियलाइज होने लग गया कि उनके पापा बेसमेंट में हर टाइम क्यों रहते थे। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करा उस जगह को तो बहुत सारी लाशें एंड हड्डियों के ढांचे भी निकले, मतलब वो कितने सालों से ऐसे काम करते आ रहे हैं। उनके बेटों को पता भी नहीं था कि उनकी बेसमेंट में इतनी सारी लाशें एंड टॉर्चर्ड लड़कियां हैं जो मरी हुई मिली हैं। तो आई होप आप सभी को ये स्टोरी बहुत ज्यादा क्रीपी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करना अपने ओपिनियन। आप मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से है, वहां पर मैं बहुत ज्यादा डार्क कंटेंट डालता हूँ एंड स्केरी पिल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर। तो गाइज आई होप आपको हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के द्वारा बनाई गई ये वीडियो देखकर जरूर मज़ा आया होगा एंड काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा होगा क्योंकि ये कहानी थी ही इतनी क्रीपी। अगर आप ऐसी और भी क्रीपी डार्क वेब रिलेटेड स्टोरीज या फिर डार्क वेब रिलेटेड कंटेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स से बेटर चैनल आपको यूट्यूब इंडिया पर देखने को नहीं मिलेगा। मैं भी एक हॉरर घोस्ट वीडियो जल्दी पोस्ट करने वाला हूं उनके चैनल पर, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अपनी हॉरर डोज़ को वहां पर मिस ना कर दो। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए हॉन्टेड सफ़र के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।